हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मापा परिसी में। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी, जो बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो ये मेरे यहाँ कल का लाया हुआ मशरूम रखा था, तो आज बना रही हूँ तो थोड़ा सा काला पड़ गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छी लगती है मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम को मैं अच्छे से कट करके ना धो ली हूँ। धोने के बाद इधर मैं कढ़ाई ले आई थी और इधर ना लाइटर निकाल के गैस को ऑन कर ले रही थी, और कढ़ाई रख के ना इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों वाली मशरूम, तो सरसों का तेल ही यूज करेंगे। तेल डाल दी थी, उसके बाद इसमें मैं डाल दी थी 2 इलायची और 2 लौंग, इसे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम डाल देंगे जीरा और सरसों, जीरा और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद ना इसमें हम डालेंगे ये प्याज बारीक कटा हुआ और 2 से 3 हरी मिर्च, आपको तीखा जैसे पसंद है उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। तो मेरे यहाँ तो थोड़ा सा हल्का ही तीखा बनता है, इसीलिए कम ही डाली हूँ। उसके बाद इसको कंटिन्यू चलाते हुए ना 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर फ्लेम को लो करके अच्छे से गोल्डन होने तक सिकने देंगे। तब तक हम मसाला की तैयारी करते हैं। अदरक लहसुन डाल देंगे मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दी हूँ, 1 चम्मच भर के सरसों, और इसको ना हम बारीक सा पेस्ट तैयार करेंगे। सरसों को साथ में पीसेंगे, और देखिए तब तक मेरा प्याज मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कलर चेंज हो गया था। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच, सब्जी मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और साथ में डाल रही है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से ना बहुत अच्छा कलर आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा डाली हूँ। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 सेकंड के लिए बस चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर पिसा हुआ और सरसों। इसको डालने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार को हिला के डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे साथ में नमक। नमक साथ में डालो ना तो मसाला ना बहुत जल्दी भून जाता है। मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उबाल आने का वेट करेंगे, और कंटिन्यू चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मतलब फ्लेम को लो करेंगे और अच्छे से भून लेंगे, मतलब भूनने में 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद ना इसमें हम मशरूम को डाल देंगे। मशरूम डालने के बाद इसको अच्छे से मशरूम और मसाला को मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तभी अंदर तक मसाला जाती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम हाई रखें अभी, तो अभी फ़िलहाल लो करेंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर देखिए मैं चावल को चुन के ले आई थी, और चावल को इसमें मतलब कि कुकर में ही डायरेक्ट डाल के धो रही हूँ, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। धो ली हूँ चावल को, और बहुत लोग बोलते दीदी चावल को नहीं धोते हो, तो चावल को धोने के बाद इंडक्शन पर रख दी थी। और इसमें देखिए मशरूम में काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। मशरूम में ना बहुत ज़्यादा पानी होता है, थोड़ी देर ढक दो ना, इसमें खुद का पानी इतना सारा हो जाता है ना। आप इसको खुद के पानी में मशरूम की सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हैं, रसा वाला भी या तो सूखा भी। उसके बाद मशरूम को मैं लो फ्लेम में फिर से चला के ढक दी थी, और इधर मैं लगा ले रही हूँ आटा। दोपहर का खाना बन रहा है, तो ज़्यादा लोग हैं, थोड़ा सा ज़्यादा खाना बन रहा है, रोटी चावल दोनों बन रहा है। उसके बाद देखिए मशरूम में काफ़ी सारा पानी सूख गया था, जितना भी पानी था। उसके बाद इसमें तेल तेल हो गया था। फ्लेम को लो ही रखेंगे और अच्छे से इसको फ्लेम को हाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर लो करेंगे। उसके बाद इसमें लो फ्लेम पे और थोड़ी देर भूनने देंगे, ताकि इसका कलर और चेंज हो जाए। और इधर मैं दाल धो के कुकर में डाल दे रही हूँ हल्दी और नमक वाला, सिंपल सी दाल बना रही हूँ, क्योंकि मसाला वाला दाल बन ही रहा था। और इधर देखिए तब तक मेरा चावल में 1 सीटी हो गया था, इंडक्शन से उतार के दाल को चढ़ा दी हूँ। और इधर देखिए मशरूम का पानी जो थोड़ा बहुत बचा था ना, वो भी सूख गया था। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, 1 कप के बराबर। उसके बाद ना इसको अच्छे से चला लेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मेरे यहाँ तो डलता ही है। बहुत ऐसी जो सब्ज़ी बनती है ना, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला रहता है ना, तो अलग सा टेस्ट आता है। अगर नहीं हो तो इसमें आप पाव भाजी मसाला या तो मतलब कि किचन किंग डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये गरम मसाला डाली हूँ। और इसको ना छोटे वाले बर्नर पे रख दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटे वाले बर्नर पे ना धीमे धीमे आँच में पकेगी ना, तो बहुत अच्छी लगेगी। और इधर बड़े वाले बर्नर पे रख दी थी मैं तवा, और फटाफट से इधर रोटियाँ बेलना स्टार्ट कर दी थी। फटाफट से रोटियाँ बेल लेती हूँ, लो फ्लेम पर ना ये 10 मिनट लगभग लगेगा, और 10 से 15 मिनट में रोटियाँ भी बना के तैयार कर लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे रोटी बनाना, ज़्यादा रोटी या कम रोटी मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ। आप लोग को लगता होगा ना इतना सारा खाना बनाना और इतना सारा रोटी बनाना टाइम लगता होगा, नहीं लगता है रोटी बनाने मुझे ज़्यादा टाइम, बहुत फटाफट बन जाती है रोटी। मैं सभी रोटी को बना के तैयार कर ली थी, लगभग मुझे 15 से 17 मिनट का टाइम लगा था। और इधर देखिए सब्जी मेरी बन गई थी, गैस को मैं कर दी थी बंद, और इसमें मैं डाल दी थी हरी धनिया बहुत सारी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दी थी। आप कलर देख सकते हैं मशरूम की मसाला वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी। और साथ में डाल दी हूँ दाल में थोड़ी सी ये धनिया पत्ता, इसे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है प्लेन वाली दाल में। अच्छे से मिक्स कर देते, थोड़ा सा पानी में डाल देती। और इधर मैं निकाल दे रही हूँ भाई के लिए सबसे पहले खाना। रोटी में इधर 2 रख दी थी, और इधर 2 कटोरी और प्लेट लग दी थी। 1 प्लेट में निकाल दे रही हूँ मशरूम की सब्जी, और साथ में इधर निकालेंगे दाल।
मशरूम की सब्ज़ी जितना चाहिए था उतना निकाल ली थी, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़े से ज़्यादा दी थी उनके लिए, और इधर दाल और चावल साथ में निकाल दी थी। ये मेरा दोपहर का खाना बहुत ही टेस्टी बना था, आप लोग को बताइएगा कैसे लग रही मेरा खाना दोपहर का, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।